मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आज क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बता रहा है कि साइड्स एबी एंड एसी एंड मीडियन एडी ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शन, मींस एबी एसी एंड एडी आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स पीक्यू क्यूआर एंड क्यू एंड पीएम ऑफ ए ट्रायंगल पीक्यूआर रेस्पेक्टिवली। तो हमको शो क्या करना है, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन क्या लिखेंगे, गिवन। तो गिवन में हमारे पास क्या बताया गया है कि एडी इज ए मीडियन, एडी इज ए मीडियन क्या है, एडी इज ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड दूसरा कौन सा मीडियम है, पीएम, पीएम इज ए मीडियम ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। अब ये हमारे पास गिवन में है और गिवन में क्या है कि एबी अपॉन पीक्यू इक्वल टू एसी अपॉन पीआर इक्वल टू एडी अपॉन पीएम, ये भी हमारे पास क्या है, गिवन है। अब हमें यहां से आगे क्या करना है, टू प्रूव। तो ध्यान रखिएगा, टू प्रूव में हमारे पास क्या है, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, ये हमको प्रूफ करना है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम, ध्यान रखिएगा, कंस्ट्रक्शन में, तो कंस्ट्रक्शन में हम सबसे पहले करेंगे प्रोड्यूस, प्रोड्यूस हम क्या करेंगे, इस साइड को इंक्रीज करेंगे, प्रोड्यूस एडी अप टू, कहां तक इसको इंक्रीज करेंगे, अप टू हमारे पास इसको इंक्रीज करेंगे ई तक, सच दैट, अब सच दैट क्या होगा कि एडी इक्वल टू डी ई होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एडी इक्वल टू डी होना चाहिए। और हम क्या करेंगे, एंड प्रोड्यूस आप किसको इंक्रीज करेंगे, पीएम अप टू एम सच दैट, अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास पीएम इक्वल टू एम एन होगा, ये हमको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करनी है। तो अब मैं यहां पर आपको कंस्ट्रक्शन करके दिखाता हूं, फिर हम प्रूफ की तरफ चलते हैं। अब क्या करेंगे, इसको इंक्रीज करेंगे और इसको क्या करेंगे, इसके साथ ज्वाइन करेंगे, इसको यहां पे नाम रखेंगे हम ई और इसको भी हम इंक्रीज करेंगे, तो इसको भी हम ज्वाइन करेंगे, तो यहां पे क्या नाम होगा, ये हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्शन है। अब हम चलते हैं प्रूफ की तरफ, तो ध्यान रखिएगा, अब प्रूफ में हमारे पास क्या होगा, हम सबसे पहले प्रूफ में क्या करेंगे, हम ट्रायंगल लेंगे ए डी बी, ये वाली ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल, तो अगर हमने यहां पे ये वाली ट्रायंगल ली तो दूसरी कौन सी होगी, हमारे पास दूसरी ट्रायंगल है ई, ये वाला ई डी और सी, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल ई डी सी। अब देखिए हमारे पास सबसे पहले हमें पता है ए डी इक्वल टू डी बाय कंस्ट्रक्शन, ये हमने अभी कंस्ट्रक्शन में किया। और दूसरा हमारे पास देखिए ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो देयरफॉर एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल सी डी ई, तो ये भी हमारे पास क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और थर्ड हमारे पास क्या है, बीडी, ध्यान रखिएगा बीडी इक्वल टू डी सी, बीडी इक्वल टू डी सी, क्यों, क्योंकि डी एडी क्या हमारे पास है, मीडियन है, तो मीडियन क्या होता है, जो इस लाइन को क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इसकी वजह से हमारे पास क्या होगी, तीन चीजें हमारे पास होगी। तो यहां आप लिख सकते हो डी इज द मिड पॉइंट, क्या लिख सकते हैं हम, डी इज द मिड पॉइंट, देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई डी सी, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो रूल हमारे पास कौन सा आएगा, साइड एंगल साइड, कौन सा रूल आएगा, साइड एंगल साइड, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया।
तो अब इसकी वजह से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से ए बी इक्वल टू क्या आएगा, ध्यान रखिएगा ए बी इक्वल टू सी ई क्या आएगा, ए बी इक्वल टू सी ई, तो इसको क्या लिखेंगे हम सी पी सी टी। और अगर हमारे पास, अब देखिए हमने ये वाली ट्रायंगल ली और ये वाली ली, तो हमने क्या किया प्रूफ, ए डी हमारे पास ये वाली ए बी ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है इक्वल है। अब अगर हम उस ट्रायंगल में भी लेते हैं, अगर इस वाली ट्रायंगल में हम ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल को लेते हैं तो सेम प्रोसीजर वहां पर भी फॉलो होगा और ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या हो जाएगी इक्वल प्रूफ हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, प्रूफ करने की जरूरत नहीं, तो हम लिखेंगे सिमिलरली, तो सिमिलरली क्या आएगा पी क्यू इक्वल टू एन आर, क्या आएगा पी क्यू इक्वल टू एन आर। और हमारे पास गिवन में हमारे पास क्या है, ध्यान रखेगा गिवन में मैंने आपको बताया था ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू ए सी अपान पी आर इक्वल टू ए डी अपान पी एम, ये हमारे पास क्या था गिवन था। अब हम यहां से कुछ निकालने की कोशिश करते हैं, तो ध्यान रखेगा अब देखिए, अब यहां से हम क्या कैलकुलेट करेंगे ए बी अपान पी क्यू ए सी अपान पी आर इक्वल टू ए डी अपान पी एम। अब हमारे पास ए बी हमने अभी प्रूफ किया कि ए बी किसके इक्वल है, सीई के इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे सीई अपान पी क्यू, क्या लिखेंगे सीई अपान पी क्यू, तो बाकी ए सी अपान पी आर ऐसे ही रहेगा। तो ए डी को हम क्या लिखेंगे टू ए डी डिवाइडेड बाई टू पी एम, क्या लिखेंगे डिवाइडेड बाई टू पी एम। अब देखिए यहाँ पे हमने टू ऐड किया, तो इस टू टू को कैंसिल करेंगे फिर से वही रहेगा, तो हमें टू ऐड करने का क्या फंक्शन होगा ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे रहेगा सी ई अपान पी क्यू, ऐसे ही रहेगा सी ई अपान, हमारे पास यहाँ पे सी ई तो ऐसे ही रहेगा। तो अब हमारे पास हमने ये भी प्रूफ किया था कि ये पी क्यू किसके इक्वल है एन आर के इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे सी अपान एन आर, क्या लिखेंगे सी अपान एन आर, और इक्वल टू रहेगा ए सी अपान पी आर इक्वल टू टू ए डी। अब देखिए टू ए डी का मतलब क्या होगा, ये ए डी दो बार, तो ए डी इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल है डी एफ के इक्वल है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट लिखेंगे ए ई, ये ए ई है, तो क्या लिखेंगे ए ई। अब हमारे पास ट्वाइस पीएम है, तो ट्वाइस पीएम क्या बन जाएगा पी से देके एन बन जाएगा, क्या बन जाएगा पी से एन। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए सी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर एन। अब देखिए हमारे पास ए सी एक ये बड़ी ट्रायंगल और ये दूसरी बड़ी ट्रायंगल, तो ये भी क्या हो जाएंगी आपस में सिमिलर प्रूफ हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी सिमिलर प्रूफ। अब सिमिलर कैसे प्रूफ हो जाएंगी कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास रूल होता है कि सिमिलर ट्रायंगल्स की क्या खासियत होती है कि उसकी साइड हमारे पास प्रोपोर्शनल होती है। तो अब हम यहाँ पे क्या रीजन लिखेंगे, इसके आगे रीजन आएगा, कौन सा रूल आएगा साइड 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 सिमिलरिटी यूज हुआ हमारे पास, किसकी वजह से प्रूफ हुआ साइड 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 की वजह से, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो भी सिमिलर ट्रायंगल्स होगी तो उसकी साइड क्या होती है प्रोपोर्शन होती है, तो जब ये तीनों साइड्स प्रोपोर्शन है इट मीन हमारे पास क्या होगी ये सिमिलर ट्रायंगल होगी। तो अब देखिए आगे ध्यान रखिएगा, अब यहां से हमारे पास क्या प्रूफ हो जाएगा, अब हम मैं थोड़ा यहाँ पे एंगल्स के नाम देने जा रहा हूँ, यहाँ पे इसको एंगल वन, इसको एंगल थ्री, इसको हम नाम देते हैं एंगल फोर, इसको नाम देते हैं एंगल टू। अब देखिए जब हमारे पास ट्रायंगल ए सी ई ये वाले ट्रायंगल और वो वाले ट्रायंगल क्या है कांग्रुएंट है, तो यहां से क्या आएगा एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, सिमिलर होने की वजह से जब ये इक्वल है तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, तो सिमिलरली तो उसी की वजह से एंगल थ्री इक्वल टू क्या होगा एंगल फोर, तो इसको इक्वेशन सेकेंड नाम दे दो। तो आप क्या करेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो एंगल वन प्लस एंगल थ्री इक्वल टू एंगल टू प्लस एंगल फोर, तो जब हम ये देखते हैं एंगल वन प्लस एंगल थ्री क्या बन जाएगा एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल, कौन सा एंगल टू प्लस एंगल फोर बन जाएगा क्यू पी आर, क्या बन जाएगा क्यू पी आर। तो जब ये एंगल हमारे पास इक्वल हो जाएगा तो देखिए हमारे पास ट्रायंगल भी सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे।
अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, अब हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया था एबी अपान पीक्यू इक्वल टू पीआर अपान या एसी अपान पीआर, ये हमारे पास पहले दिया है, मींस ये दो साइड क्या है, प्रोपोर्शन है। अब हमारे पास यहाँ पे अभी हमने प्रूफ किया एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, तो जब ये एंगल भी इक्वल होगा, ये हमने अभी किया प्रूव्ड एबो, तो इसको आप लिखोगे गिवन, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, तो कौन सा रूल आया, साइड एंगल साइड, क्योंकि यहाँ से दो साइड है प्रोपोर्शन, और थर्ड हमने क्या प्रूफ किया, एंगल प्रूफ किया, इसका मतलब क्या होगा, ये ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर प्रूफ हो गया, तो हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय द क्राइटेरिया साइड एंगल साइड, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 7। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब ये पोल है और ये क्या है, टावर है। पोल हमारे पास है, इसका शैडो पड़ता है जमीन पे तो 4 मीटर बनता है, और ये टावर है, इसका शैडो पड़ता है तो 28 मीटर बनता है। अब बता रहा है कि हाइट ऑफ द टावर निकालो, तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, ध्यान रखिएगा, हम सबसे पहले करते हैं लेट ए बी इज द हाइट ऑफ पोल इक्वल टू 6 मीटर। अब दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास दिया हुआ हमारे पास क्या है, लेट डी ई, अब हमारे पास डी इज द हाइट ऑफ टावर इक्वल टू एच मीटर। अब देखिए, अब हमने क्या निकालना था, इसकी हाइट निकाली, इसको हमने मान लिया एच। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, अब हम इन ट्रायंगल्स को क्या करेंगे, सिमिलर प्रूफ करते हैं, तो सिमिलर प्रूफ करने से हमारे पास क्वेश्चन निकल जाएगा। अब हम ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो हमारे पास एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, क्यों, क्योंकि ईच 90 डिग्री, अगर दोनों 90 डिग्री है तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, उसके बाद एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, ये हमारे पास क्या होगा, दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, किसकी वजह से, एंगल एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सन, क्या है, एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सन, एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सन, क्यों, क्योंकि सन एक ही पोजीशन में फिक्स है, हमारे पास क्या हो रहा है, उसका जो एंगल बना रहा है, इसके यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री बना रहा है, तो इट मीन एंगल सी क्या होगा, एंगल एफ के इक्वल होगा, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, इसका मतलब क्या होगा, दोनों ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर प्रूफ होगी, तो कौन सा रीजन लग गया हमारे पास, एंगल एंगल, तो जब हमारे पास ट्रायंगल सिमिलर होती है तो हम कौन से लगाएंगे, हमारे पास आप लोगों को पता है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, तो जब हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं तो हमारे पास अब इजिली प्रूफ करना इजी हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा हम क्या करते हैं, ए बी अपान हमारे पास डी इक्वल टू, हमारे पास ध्यान रखिए ए बी अपान डी इक्वल टू हमारे पास बी सी अपान ई एफ, तो क्या होगा बी सी अपान ई एफ, अब ए बी कितना है 6 मीटर, डी कितना है एच मीटर, इक्वल टू बी सी कितना है 4, और हमारे पास ई एफ कितना है 28। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है एच, इस एच को इधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा 6 मल्टीप्लाई 28 अपॉन 4 इक्वल टू एच, 4 वन जार 4, 4 सेवन जार 28, तो एच इक्वल टू 42, एच कितना आ गया 42 मीटर, तो देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू
कितना आ गया 42 मीटर। तो यही आप लोगों को सॉल्व करना था। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार आता है, तो आगे भी आ सकता है। इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से घर में ध्यान से देखिएगा। सिर्फ हमको सिमिलर प्रूफ करनी है, तो उसके बाद जैसे आप सिमिलर ट्रायंगल्स होती है तो उसका रेशियो साइड्स क्या होती है, दूसरे के प्रोपोर्शन होती है। तो हमने लिख लिया, तो उसकी जगह हमने वैल्यूज पुट कर दी और हमारे पास एच निकल गया। तो एच कितना होगा 42 मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू 42 मीटर। अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, जो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, ध्यान रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है हमारे पास, इफ एडी एंड पीएम आर द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर रेस्पेक्टिवली, वेयर ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू पीक्यूआर, तो शो दैट हमें क्या शो करना है, एबी अपॉन पीक्यू इक्वल टू एडी, एडी अपॉन पीएम, ये हमको शो करना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन क्या लिखेंगे, गिवन। तो गिवन हमारे पास क्या है, एबी एंड एडी, एडी एंड PM are medians of triangle ABC and triangle PQR। और हमारे पास क्या गिवन है कि ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR। ये भी हमारे पास क्या है, गिवन है। तो टू प्रूव में हमारे पास क्या आएगा, टू प्रूव, तो टू प्रूव में हमने लिखना है AB upon PQ equal to AD upon PM। तो अब प्रूफ में हम क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रूफ में हमारे पास क्या आएगा, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। अब हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स लेके हम चलते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, AB upon PQ equal to BC upon QR। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, इसने बताया एबीसी ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीक्यूआर, तो एबी अपॉन बीक्यू इक्वल टू बीसी अपॉन क्यूआर। तो ये क्यों आएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास रीजन है कि साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शन। तो ये हमने इसकी वजह से ये लिख लिया। अब यहां से हम लिखते हैं एबी अपॉन पीक्यू इक्वल टू 1/2 बीसी डिवाइडेड बाय 1/2 क्यूआर। क्यों, क्योंकि एडी और पीएम क्या हमारे पास मीडियन है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, एबी अपॉन पीक्यू इक्वल टू बीडी अपॉन क्यूएम, क्या आ जाएगा, बीडी अपॉन क्यूएम, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड आ जाएगी, क्योंकि हाफ ऑफ बीडी प्लस हाफ ऑफ डी, हाफ ऑफ डी सी इक्वल टू बीसी, दिस प्लस दिस इक्वल टू बीसी, तो हाफ क्या होगा, या तो बीडी होगा या तो डीसी होगा। इसलिए हमने हमारे पास बीसी क्या हो जाएगा, बीडी, 1/2 क्यूआर क्या हो जाएगा, क्यूएम। तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए हमारे पास क्या है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, तो हम लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। क्यों, क्योंकि हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, जब ये सिमिलर है तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम, क्या है, पी क्यू एम। क्यों, क्योंकि हमारे पास एंगल बी और एंगल क्यू भी इक्वल है, और ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, प्रोपोर्शन है इस ट्रायंगल के। और हमारे पास जब दो साइड्स हमारे पास प्रोपोर्शन है और एक एंगल इक्वल है, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये ट्रायंगल क्या हो जाएगी, सिमिलर प्रूफ हो जाएगी। तो रीजन क्या आएगा हमारे पास, रीजन आ जाएगा हमारे पास साइड एंगल साइड, इसकी वजह से ये सिमिलर प्रूफ हो गई। तो हम लिख सकते हैं सो दैट, जो हमें प्रूफ करना था, तो हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू पी, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, बिकॉज साइड्स ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। तो जब साइड्स प्रोपोर्शनल होती है तो हमारे पास क्या हो गया, हेंस प्रूव, जो हमको प्रूफ करना था। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी, तो आप उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आई होगी। तो ध्यान से इनको अच्छे से घर पे देख के नोटबुक पे उतारिएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो उसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरम्स पे चलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बाकी थ्योरम्स पढ़ाऊंगा। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि सब बच्चों तक ये बातें पहुंचे और ये लेक्चर उन सबको समझ आ जाए, सब इसका फायदा उठाएं। तो आज के लिए इतना ही, तो धन्यवाद आपका ये हमारी वीडियोस देखने के लिए। Thanks.